एक सेकंड यार, सॉरी कभी रियल लाइफ में अपने बॉयफ्रेंड के लिए किसी को धोपता है? अब तक तो नहीं, पर जिंदगी बाकी है, पर शायद कभी नहीं करूंगी क्योंकि आई एम नॉन वायलेंट. किसी की मजाल है बट मैं दिमाग में शायद धोपतूंगी दूर से. हेलो हाय, कोई भी गुल्लू गुल्लू करे आलिया के बॉयफ्रेंड के साथ, किसी की मजाल है? हाय रणवीर. हाय हाय जोया. एक सेकंड. यस मैम. हाय रणवीर, भावना दिस साइड. हाय, बहुत अच्छा ट्रेलर है. रणवीर, मुझे ये जानना था कि आप पहले से डिवाइन के फैन थे, उनके रैप सुनते थे? जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल. कौन सा फेवरेट रैप? जंगली शेर, मेरे गली में और जंगली शेर मेरे फेवरेट्स. वन साइड हर चीज है. काम पच्चीस से छोटा सा मैं लड़का, छोटी चीजों पे मैं भड़का. मेरे दाल में नहीं था तड़का, घर पे बाप के रोज का लफड़ा, दफना मुश्किलों को मेरी माँ की कमाई ने. बाप वाला रोल निभाया मेरे भाई ने, तैरना सीखा खाई में, इसलिए शब्दों. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2018 की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्मों में से एक थी फिल्म जीरो, जिससे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी. क्या शाहरुख खान जी, क्या दर्शक, हर कोई इस उम्मीद में बैठा था कि फिल्म जबरदस्त होगी, बम्पर फाड़ कमाई करेगी बॉक्स ऑफिस पे, वगैरह वगैरह. ऐसे में दोस्तों जीरो को ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स मिलता है और जीरो 100 करोड़ भी नहीं कमा पाती है अपने 15 दिन के अंदर. लेकिन आपको बताना चाहूँगा, इस बात से बिल्कुल भी डिमोटिवेटेड नहीं होते हैं किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान, और एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं. आइए वो बात पहले आपको पढ़ के सुनाता हूँ. यहाँ पर दोस्तों किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान कहते हैं अपनी फिल्मों को लेकर, मैंने कभी उन फिल्मों से सफलता नहीं पाई जिनसे मैंने उम्मीद की थी. सच बताऊं, मुझे हमेशा लगता है कि मैं किंग हूं, और किंग को तो अपनी मर्जी से फिल्मों का चुनाव करने की आज़ादी होती है. अगर आपके पास आज़ादी नहीं है तो आप किंग कैसे हो सकते हैं? सुन लिया आपने दोस्तों कि किस तरीके से किंग खान ने एक डिग्निफाइड वे में अपना आंसर रखा है. और यहाँ पर जब उनसे प्रोड्यूसिंग को लेकर पूछा जाता है कि फिल्मों के तो आप निर्माता भी हैं, तो इस पर वो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं जो कि मानने वाली बात है. मैंने हमेशा अपनी बेटी की तरह फिल्मों को माना है. लोग अपनी बेटी की शादी में दिल खोल कर खर्चा करते हैं, और मैं अपनी फिल्मों को बेहतरीन बनाने के लिए पानी की तरह पैसा क्यों नहीं बहा सकता. मेरी तो यही इच्छा होती है कि जो भी मेरी बेटी की शादी में आए वो खुश होकर ही वापस जाए. तो सुना आप लोगों ने दोस्तों किंग खान के दिल की बात. किंग खान ने फिल्मों को अपनी बेटी की शादी से कंपेयर कर दिया है. भाई मानना पड़ेगा, वंस अ किंग यू ऑलवेज अ किंग. किंग खान वी आर विद यू. आपकी जीरो फिल्म कोई बात नहीं, ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स मिलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे आने वाली जो फिल्में हैं वो डेफिनेटली ट्रिमेंडस सक्सेसफुल फिल्म होंगी, और आपको जो बादशाह की कुर्सी है वो फिर से मिल जाएगी. कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या है कहना, और इसी तरीके की अपडेट्स मैं लाऊंगा राहुल भोज आप लोगों के लिए. ओके, अब हमारे साथ सर्किट है तो हम पूछ लेते हैं कि मुन्ना भाई के साथ कब आ रहे हैं, कब, क्योंकि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है फैंस में, तो बताइए कब तक आ रहे हैं. मुझे एक्चुअली कोई आइडिया नहीं है, बट मुझे ऐसा लगता है, या जो छोटी थोड़ी बहुत बातें जो मैं जानता हूँ, स्क्रिप्ट मोर लेस रेडी और एंड ऑफ द ईयर शुरू करने का कुछ प्लान है. और अगर बात करें गोलमाल की, क्योंकि सिम्बा में हमने देखा गाने में आंख मारे में आप थे, तो टीम आ रही हो आप? तो उसका भी मुझे आइडिया नहीं है, कि आइडिया नहीं, एक्चुअली हम कहानी नहीं है और सोचा नहीं है कि क्या कब क्या नहीं, कुछ भी नहीं. आई थिंक एक बार रोहित फ्री हो जाएगा, अजय फ्री हो जाएगा, सब फ्री हो, फिर बैठ के डिसाइड करेंगे क्या है. बट मैं इतना कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि वो आएगी जरूर. गुरमान फाइव जरूर आएगी. कब आएगी वो पता नहीं, कौन सी और क्या जॉन है, किस क्या स्टोरी होगी वो नहीं पता, बट डेफिनेटली. हाल ही में जो KGF का बहुत ज्यादा क्रेज है साउथ की फिल्म है, फिर भी हिंदी डब होने के बावजूद इतना ऑडियंस का अटेंशन ले रही है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं साउथ की फिल्में भी ज्यादा कमाल कर रही हैं? आई थिंक मेरे घर में जितने लोग काम करते हैं वो सब डब साउथ फिल्म देखते हैं, सब के सब. सो यस, एंड इट इज हाईली एंटरटेनिंग, यू नो. आई थिंक रजनीकांत जो इतने बड़े स्टार हैं, कुछ रीजन तो होगा. सो यस, इट इज वेरी एंटरटेनिंग, वेरी एंटरटेनिंग चीज. एंड वो ये वो इसमें क्या है ना, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग रैक करने की जरूरत नहीं. आप देख रहे हो गाड़ियाँ उड़ रही हैं, लोग उड़ रहे हैं, सिगरेट हो रहा है, पॉपकॉर्न खाओ, पिक्चर देखो, घर चले जाओ.
रेट एंड वॉलेट एक्टर विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना आज भी कुंवारे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं अक्षय के कुंवारे रहने के पीछे आखिर क्या वजह है? नमस्कार, मैं हूँ श्रेया और स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। वैसे तो अक्षय अपने पिता की तरह बॉलीवुड में मुकाम हासिल करने में नाकामयाब रहे, लेकिन उनकी कुछ फिल्मों के लिए उन्हें खूब पसंद किया जाता है। बता दें, शर्मिले स्वभाव के अक्षय का वैसे तो कभी भी किसी अभिनेत्री के साथ नाम नहीं जुड़ा, लेकिन कहा जाता है एक बार करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने विनोद खन्ना के पास उनके बेटे के लिए करिश्मा का रिश्ता भेजा था। पर करिश्मा का करियर उस समय पूरे शबाब पर होने के कारण उनकी माँ बबीता कपूर ने ये रिश्ता नहीं होने दिया और बस इसी कारण आज भी अक्षय खन्ना कुंवारे हैं। तो दोस्तों, आप किस पर क्या राय है? वेल, हमें अपना सुझाव बताएं और जुड़े रहे बॉलीवुड स्पाई के साथ। क्या एक बार फिर बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएंगे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण? वेल, 2018 के शुरुआत और अंत में पद्मावत और सिम्भा जैसी दो ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद 2019 में कपिल देव की बायोपिक 83 के साथ रणवीर सिंह दस्तक देने वाले हैं। हालांकि ये अपने आप में ही एक दिलचस्प न्यूज थी, लेकिन अब हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कबीर खान के इस डायरेक्टोरियल वेंचर में सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं बल्कि दीपिका पादुकोण भी नजर आएंगी। जी हाँ, मीडिया में चल रही रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका इस फिल्म में कपिल देव की पत्नी रोमी भाटिया के किरदार को निभाती हुई नजर आएंगी। हालांकि इस फिल्म के लिए दीपिका की केवल 7 दिन की ही शूटिंग होगी, लेकिन इस फिल्म के मेकर्स की माने तो 1983 वर्ल्ड कप के दौरान वेस्ट इंडीज को जीता हुआ देख जैसे रोमी भाटिया स्टेडियम से निकल गई थी, फिर इंडिया की विक्ट्री पर उनके स्टेडियम में लौट आने की पूरी कहानी सिर्फ दीपिका ही सही मायने पर पर्दे पर उतार सकती हैं। आप दोनों बाजीराव और मस्तानी की इस केमिस्ट्री को लेकर क्या कहेंगे? क्या आप फिर से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह को एक साथ देखना चाहते हैं एक फिल्म में? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर बताएं और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। सलमान खान की अपकमिंग फिल्म भारत, जिसका वक्त आखिरी शेड्यूल चल रहा है, उसकी दिलचस्प खबर आई सामने। वेल, इससे पहले कई दफा भारत से कई गानों के नाम सॉन्ग सीक्वेंस स्टिल तो हम देख ही चुके हैं, और अब हालिया मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस फिल्म में एक रोमांटिक सॉन्ग को सुखविंदर सिंह ने अपनी आवाज दी है। बता दे, ये गाना सलमान खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया जाएगा। वैसे फिल्म रब ने बना दी जोड़ी में हौले हौले जैसे ऑल टाइम हिट रोमांटिक नंबर को अपनी आवाज दे चुके सुखविंदर सिंह से एक और रोमांटिक नंबर के लिए इंतजार तो जरूर होगा, क्यों है ना दोस्तों? इस बारे में आपके क्या राय है हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। फिर हेरा फेरी आने वाली थी, मैंने आपको बात बताई थी, और जिसकी चर्चाएं चल रही थी, इंद्र कुमार उस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे। फाइनली हेरा फेरी के तीसरे इंस्टॉलमेंट, यानी कि फिर हेरा फेरी हो सकता है या फिर हेरा फेरी 2 हो सकता है, वगैरह वगैरह जो भी है, इस पर अपनी चुप्पी जो साधी हुई थी फिल्म के कलाकारों ने, वो फाइनली रिवील हो चुकी है। रिसेंटली आपको बता दूं दोस्तों, बहुत बड़ा मीडिया हाउस है, उन्होंने परेश रावल साहब का उरी अटैक पर इंटरव्यू लिया, जिस पर उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि फिर हेरा फेरी या हेरा फेरी के तीसरे इंस्टॉलमेंट पर क्या है चर्चाएं। इस पर परेश रावल जी ने जवाब देते हुए कहा है, वो बात आपको पढ़ के सुनाता हूं। आई एम डूइंग 2-3 फिल्म्स व्हिच आई विल एंजॉय अ लॉट टू वर्क इन, एंड अबाउट हेरा फेरी 3, इट वॉज इन टॉक्स बट नथिंग हैज कम टू मी येट एंड इट्स नॉट इवन इन द होराइजन। सुना आपने। इस पर एक और बात उन्होंने ऐड करी है, इफ द स्क्रिप्ट विल नॉट बी गुड देन आई विल नॉट डू इट। सुना, देखिए हेरा फेरी जब आई थी हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि हेरा फेरी का पार्ट 2 आ रहा है, यानी कि फिर हेरा फेरी आ रही है। लेकिन फिर हेरा फेरी के साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी चीजें हो जाती हैं कि भैया इसका जो तीसरा इंस्टॉलमेंट है वो बन नहीं पाता। अब जो कहानियां आ रही हैं, मुझे लगता है कि शायद परेश जी को वो पसंद नहीं आ रही, इसी वजह से उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दे दिया।
बट स्टिल मैं तो उम्मीद करूंगा कि प्रियदर्शन फिर से एक बार डायरेक्टर्स हैट पहन ले और वो हेरा फेरी का तीसरा इंस्टॉलमेंट जरूर 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 लाए, क्योंकि हम बाबू भैया, राजू और श्याम को एक बार फिर से ऑन स्क्रीन देखना चाहते हैं। आप देखना चाहते हैं कि नहीं? और प्लस परेश रावल जी की बातों पर आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली अपनी राय मुझे बताएं। और बने रहिए मेरे साथ, राहुल भोज है ना यार, अपडेट करेगा।